तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई न्यू स्टेट के नए अपडेट से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और भाई ये मैं सोच ले रहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा इतनी तारीख को पैच नोट आएगा, इतनी तारीख को अपडेट आएगा, वो सब देखो बताने की चीज़ें नहीं है। वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या सारी चीज़ें हैं और कब अपडेट आते हैं और कब भाई पैच नोट वगैरह आते हैं, कब भाई मेंटेनेंस वगैरह आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या भाई अपडेट हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और न्यू स्टेट क्या भाई बिल्कुल ही पूरी तरह से शट डाउन होने वाला है। और साथ में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लेके भाई लोग कन्फ्यूज़ है रिलेटेड भाई डेवलपमेंट के कि गेम कौन डेवलप कर रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि चैनल के ऊपर न्यू स्टेट से रिलेटेड भी तुम्हें कोई भी अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुम्हें भाई प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेवलपर की। तो भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्राफ्टन इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास इतने सारे डेवलपर है, फिर भी ऐसी गेम की क्यों हालत कर रखी है। क्राफ्टन के अंदर में भाई बहुत सारे स्टूडियो हैं और उस स्टूडियो में से एक स्टूडियो पबजी स्टूडियो का गेम है भाई पबजी न्यू स्टेट। और इनका एक गेम और है वो भाई पीसी पे है जिसको तुम सारे ही जानते हो यार, पबजी का पीसी वर्जन। इनका एक और गेम था पहले पबजी लाइट पीसी, वो तो भाई काफी टाइम पहले बंद हो गया। तो वो सारा डेवलप करा है भाई पबजी स्टूडियो ने। पबजी स्टूडियो की एक डेवलपर की टीम है तो वही भाई पबजी पीसी पे भी काम करती है और वही भाई न्यू स्टेट के ऊपर भी काम कर रही है। तो भाई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इनके नए गेम आ रहे हैं डार्क एंड डार्कर और इंजो वगैरह, तो इनके बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो तुम लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार इतना अच्छा गेम है न्यू स्टेट, ये उस पर काम क्यों नहीं करते, उसके बग्स क्यों नहीं ठीक करते, उसके ग्लिचेस वगैरह ठीक नहीं करते। तो देखो उन गेम्स का और न्यू स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो अपकमिंग क्राफ्टर के गेम आ रहे हैं वो भाई और स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं, पबजी स्टूडियो वाले डेवलप नहीं कर रहे, उनके पास भाई इनका पीसी वाला गेम है और ये भाई न्यू स्टेट उनके पास दो ही गेम है। तो भाई कोई भी नया गेम आता है अगर क्राफ्टन की तरफ से तो पहले देख लेना भाई वो कौन सा स्टूडियो बना रहा है। अगर वो पबजी स्टूडियो बना रहा है तो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी बोल सकते हो। लेकिन भाई ऐसा डार्क एंड डार्कर को या फिर लोग उनके नए गेम आ रहे हैं ऐसा बोलने से यार कोई बेनिफिट तो देखो होने नहीं वाला, क्योंकि सारी जो गेम है उनके अपने अलग अलग स्टूडियो है जो भाई क्राफ्टन के अंडर में। तो बात कर लेते हैं अपडेट को लेकर। तो भाई 4 महीने हो चुके हैं कोई अपडेट वगैरह नहीं आया, और इसके बारे में मैंने तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी जब अपडेट आ रहे थे कि भाई अभी कुछ टाइम के लिए गेम जो है होल्ड पर रहेगा, बंद भी हो सकता है। चलो गनीमत है कि इन्होंने भाई गेम को शट डाउन नहीं किया कुछ टाइम के लिए और गेम अभी फिलहाल चल रहा है, तुम लोग इन्जॉय कर सकते हो। और सर्वाइवल पास वगैरह जो आ रहे हैं वो भाई पुराने वाले ही आ रहे हैं। तो क्या हमें इस वाले अपडेट के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा अनुमान था कि 2-2.5 महीने तक रहेगा। तो मेरी इस चीज़ के रिगार्डिंगली हमारे एक स्क्वाड पार्टनर गब्बर ओपी के साथ भी इस चीज़ के रिगार्डिंगली बात हो रही थी कि भाई ये क्या अपडेट का क्या क्या सीन है। तो काफ़ी टाइम पहले बात चल रही थी कि 7-8 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन भाई फिर 2-2.5 महीने की बात आ चुकी थी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि न्यू स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो भाई काफ़ी पीछे चल रहा है। मान लो आप लेके चलो 6-7 महीने पीछे चल रहा है। जो अभी तुम्हें जेटा मोड खेलने को मिल रहा है वो मोड की तैयारी भाई अकींदा के अंदर थी, उसके पोस्टर वगैरह भी तुम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये भाई उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उन्होंने भाई जेटा में नए मैप के अंदर ये सारी चीजें डाल दी। तो भाई ये जो चीजें हैं इनकी डेवलपमेंट काफी ज्यादा स्लो चल रही है, और जो 2-2.5 महीने की चीज थी वो भाई अभी और भी आगे तक खींच सकती है। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस टाइम तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि नेक्स्ट अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन पिछली बार की तरह भी इस बार भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आई है कि नेक्स्ट अपडेट में जो है आने वाला है इसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। हाँ इनकी 3 ईयर की एनिवर्सरी आ रही है, तो मुझे डर है कि भैया 3 ईयर वाली एनिवर्सरी में गेम घूमना बंद कर दे। तो फिलहाल के लिए तो करेंगे नहीं, लेकिन भाई इनकी 3rd एनिवर्सरी भी आ रही है तो तब तक भाई बहुत टाइम है। अभी मान के चलो नवंबर तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो मैं तुमसे यही चीज़ बोलूँगा कि अभी उम्मीद वगैरह मत लगाना न्यू स्टेट के डेवलपर से कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है करने वाले हैं। हाँ मैंने ये सुना है कि एक सरप्राइज चीज़ आने वाली है, अब वो इस महीने आएगी या फिर वो अगले महीने आएगी उसकी डिटेल तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी। जो हमें सरप्राइज चीज़ देखने को मिलने वाली है उसका एक ट्रेलर वगैरह इनके यूट्यूब वगैरह पे आ जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी उसका कन्फर्मेशन नहीं है वो कब आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें चीज़ के रिगार्डिंगली बोला था कि जो मेन अपडेट आएगा उससे पहले इनका एक कुछ टाइप का भी आने वाला है। तो देखते हैं वो भाई कब तक देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले महीने की मैं तो भाई कम उम्मीद लगा रहा हूँ। तुम लोगों से भी मैं यही चीज बोलूंगा कि इतनी ज्यादा उम्मीद वगैरह मत लगाना। और अगर बात करें ए स्क्वाड वगैरह की, तो ए स्क्वाड वगैरह को भी इन्होंने हटा दिया, तुमको ऑलरेडी पता है। तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि न्यू स्टेट भाई प्रॉफिट में नहीं है, न्यू स्टेट भाई लॉस में है। और जो ए स्क्वाड वगैरह होते हैं उनको जो एनसी वगैरह मिलती है तो वो उनकी अर्निंग में ऐड होते हैं, और ऑब्वियसली बात है जब उनकी अर्निंग ही नहीं हो रही तो वो लॉस क्यों लेंगे यार फालतू में अपनी ये दिखा के कि हमने ए स्क्वाड को इतने एनसी बांटे, इतने अमाउंट के एनसी है। तो वो एनसी वगैरह जो बांटते हैं तो वो भाई उनके प्रॉफिट और लॉस वगैरह में आता है। तो उन्होंने सारे स्क्वाड ही निकाल दिए कि भाई हम क्यों वैसे ही हम लॉस में चल रहे हैं, इनको एनसी दे गए हम और भी लॉस में जाते। तो ये चीज आने वाले टाइम में फिक्स होने वाली है। मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज ऐसा लगता है कि पबजी मोबाइल और न्यू स्टेट मोबाइल का एक टाइप से क्लैश है, क्योंकि दोनों गेम एक ही जॉनरा के हैं और लोगों को अगर ऑप्शन मिले तो वो भाई न्यू स्टेट के अंदर ही जाएंगे। कोई भी भाई पबजी मोबाइल वाले हैं अगर उनको एक मौका दे कि भाई तुम्हारी सारी स्किन हम ट्रांसफर कर देंगे न्यू स्टेट के अंदर, तुम वो खेलोगे? ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हम तो खेलेंगे भाई एक बार कर दो। और जैसे
पबजी मोबाइल के अंदर मोड आते हैं, वैसे अगर न्यू स्टेट के अंदर आने शुरू हो जाए तो भाई पबजी मोबाइल के लिए एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है न्यू स्टेट। तो मुझे लगता है कि इसी रीज़न की वजह से इसका न्यू स्टेट का प्रोसेस वगैरह इतना स्लो है। कहीं ना कहीं तो मानो या ना मानो कि यार देखो टेंशन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं इस चीज़ को कन्फर्म नहीं करूँगा, लेकिन ये मुझे लगता है कई बार मुझे ऐसे सपने आते हैं तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि देखो न्यू स्टेट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है पबजी मोबाइल, और पबजी मोबाइल तो तुम्हें पता ही है यार कितनी ग्लोबल ऑडियंस खेलती है, और पबजी मोबाइल किसका गेम है, कौन चलाता है, कौन उससे प्रॉफिट लेता है, कितना प्रॉफिट लेता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो देखो न्यू स्टेट के अभी ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि लगने वाला है। प्रोजेक्ट रही बंद की बात, तो अगर ये प्रोजेक्ट बंद होगा तो पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें पता चल जाएगा, वहाँ से ये गेम पहले हटा देंगे एक महीना पहले, उसके बाद प्ले स्टोर से हट जाएगा, उसके बाद सर्वर का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई हम सर्वर को है गेम को बंद कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ का अपडेट इतना ज़्यादा कुछ खास मुझे लगता नहीं होने वाला है। अगर कोई सरप्राइज़ वीडियो इनका आ जाता है उससे पहले तो अच्छा अपडेट हो सकता है, लेकिन तो मैं यही बोलूँगा कि और गेम भी फिलहाल के लिए ट्राई करो, न्यू स्टेट को भी फिलहाल के लिए तुम बैकअप पे रखो। क्योंकि यहाँ पे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ मुझे क्लियर बताई, क्राफ्टन का भाई मेन फोकस है एंटी चीट सिस्टम पे, उसके बाद इनका फोकस है ग्लिच और बग्स पे। रही बात मोड वगैरह की, तो उनके पास भाई ऑलरेडी बहुत सारे मोड वगैरह हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है, उनके पास पूरी प्लानिंग है गेम की, जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उनके पास पूरी प्लानिंग है कि हमको गेम के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जो अभी कंडीशन में गेम चल रहा है ये उसको पहले फिक्स करें, और उसके बाद जो इनके अपडेट वगैरह वो आने शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्कॉर्ट बंद होने के बाद क्राफ्टर ना तो भाई लॉस में जा रहा है गेम को लेके, और ना ही भाई प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि भाई जिस तरह की अभी गेम की हालत है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट है इस चीज़ से कि हाँ भाई हमारा गेम है, चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है भाई चलने दो ऐसी चीज़ें। तो इसमें भाई बहुत टाइम लगने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ग्लिचेस बग्स की बात करें तो यार देखो गेम के अंदर भरे पड़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लॉबी वाली है, लॉबी ग्लिचेस की है जब डाउनलोड वगैरह करते हो, तो ये सारी चीज़ें फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुमको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग नए अपडेट या फिर कोई फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।